हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी देर के बाद मैं आज वीडियो शूट करने जा रहा हूँ अपने चैनल पे। तो जब मैं कनाडा इनिशियली आया था तो मैं काफ़ी चीज़ों में बिजी था, तो मैं तब वीडियो इतनी नहीं रेगुलरली शूट कर पाया। तो आज मेरा बर्थडे है, तो मैं मतलब मेरा फर्स्ट बर्थडे है कनाडा के अंदर। तो आज मैं घूमने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। टोरंटो में रहता हूँ बेसिकली मैं, तो चलते हैं आज। जो जो मैं एक्सप्लोर करूँगा आपको दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, करते हैं वीडियो स्टार्ट। स्टेशन तो मेरे घर से मतलब ये कुछ 40-45 मिनट की दूरी पे है। तो अब यहाँ से पिंक स्टेशन से एक सब्वे लेनी है, जो तो आधे घंटे के अंदर अंदर मैं डाउन टाउन पहुँचूंगा टोरंटो। तो वहाँ पे जाके जो जो घूमूंगा मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लोर जो हम करेंगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं, मैं मेरे दोस्त जो हैं वो आगे हैं, वो ज़रा टिम हॉर्टन्स पे कुछ चीज़ें ले रहे हैं। तो फाइनली मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। तो अभी हम टिम हॉर्टन्स के बाहर खड़े हैं, तो आपको एक काम की चीज बताते हैं। बताओ यार क्या है? क्यों बताओ यार? तो आप $1 में कैसे पी सकते हो टिम? तो आपको हम बताते हैं ये कैसे होता है। तो यहाँ पे टिम हॉर्टन्स का एक सर्वे होता है, तो जब भी हम कोई ऑर्डर लेते हैं तो उन्होंने हमें बिल देते हैं। तो आप उस बिल का सर्वे और ले सकते हो टिम हॉर्टन्स की वेबसाइट पर जाके। तो उसमें आप तीन चीज़ें ले सकते हो, फ्रेंच वनीला, आइस कॉफी और हॉट चॉकलेट। तो तीन चीज़ें आप $1 के अंदर कोई भी साइज ले सकते हो। तो अभी पहुंच चुके हैं हम टोरंटो डाउनटाउन। तो अभी हम डंडा स्क्वायर के पास खड़े हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, मतलब आसपास अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो अभी हम यहाँ से प्लान बना रहे हैं शुगर बीच जाने का। तो काफ़ी एक फेमस बीच है यहाँ पे, मतलब काफ़ी फेमस स्पॉट्स हैं, मतलब हार्बर फ्रंट है मैं घूमा हुआ हूँ यहाँ पे, और CN टावर है, और काफ़ी अट्रैक्शन हैं, और रिप्लीज एक्वेरियम है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं शुगर बीच और आपको डंडा स्क्वायर दिखाते हैं कि जो भी काफ़ी फेमस पॉइंट है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा कि डंडा स्क्वायर बहुत फेमस है। आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट्स में डंडा स्क्वायर दिखाते हैं। इस टाइम काफ़ी अच्छा है, समर्स का टाइम है यहाँ। देखेंगे सिनेमेटिक शॉट्स, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ का व्यू। और जैसे आप सामने देख सकते हो, ये तो सामने की टाइप ये सारे जो हैं ये सारे आइलैंड हैं, मतलब जहाँ से आप फेरी लेके जा सकते हो, अपनी प्राइवेट बोट लेके जा सकते हो। तो मतलब ये जहाँ अगर हमें वहाँ पे आइलैंड्स पे जाना है तो आपको ये जो एंट्री है ये हार्बर फ्रंट वाली साइड से आपको उनकी टिकट्स वगैरह लेनी पड़ती है, और वहाँ से आप बुक करके वहाँ जा सकते हो। तो मैंने काफ़ी आपने रील्स में भी देखा होगा, लाइक जो CN टावर वगैरह ये सारी बिल्डिंग जो मेरे पीछे आ रही हैं व्यू के अंदर, तो उस टोरंटो आइलैंड जो है ना अलग अलग तरह के, वहाँ से जो व्यू है बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो आप आ सकते हो यहाँ पे। मे बी अगर हम एक फेरी लेते हैं तो उसकी टिकट मे बी $8 से $9 है। तो मैं नेक्स्ट वीक ट्राई करूँगा कि मतलब संडे वीकेंड के टाइम मैं यहाँ पे आऊँगा फेरी सर्विस करने, वहाँ पे एक्सपीरियंस वो भी शेयर करूँगा कि कैसे का होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। आगे भी देखते हैं क्या करना है, पहले इसके बाद कहीं मतलब हार्बर फ्रंट जाएंगे या कहीं खाने पीने जाएंगे, जो भी हम करते हैं आगे ब्लॉग में बने रहो, आप सब दिखाएँगे।
जैसे आपने स्टोरीज में देख लिया होगा कि मतलब हमने अपना खा भी लिया पिज़्ज़ा वगैरह, तो काफ़ी अच्छा इन्जॉय कर लिया। मतलब ये थोड़ी छोटी आउटिंग के लिए हमारे से इतना टाइम हमारे पास था कुछ घंटों का, मतलब तो अच्छा था, अच्छा रहा। तो इस टाइम सीजन मतलब इस टाइम जो हम देखा डंडा स्क्वेयर में, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इस टाइम आप देख सकते हो। लेकिन 15 अगस्त जो भी इंडियन देख रहे हैं आप देख रहे हो, तो कितनी प्राउड मोमेंट है ये कि अपने फ्लैग को होस्ट किया जाए, मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल टोरंटो ईटन सेंटर के सामने लोग यहाँ पे रील्स बना रहे हैं, फोटोज़ खींच रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मतलब काफ़ी एक प्राउड फीलिंग हो जाती है। सो मैं भी सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचाऊँ, तो काफ़ी सही है, तो अच्छा है। आते होते हैं जब मैं अपने घर की तरफ जाता हूँ, तो हम डायरेक्टली सबवे ले लेते हैं, तो वो फिंच स्टेशन से उतार जाए, और फिंच स्टेशन से मैं अपनी बस ले लेता हूँ। तो आज वहाँ पे मतलब कुछ इश्यूज थे वहाँ पे, मतलब शायद मे भी ट्रैक से कोई वर्किंग चल रही है कुछ का, तो करके हम मतलब वहाँ जो हमने डाउन टाउन से फिंच स्टेशन सबवे ली वो एक जगह पर रुकी थी, उसके बाद तो वहाँ से हमने अब दूसरी बस ली जो कि एक यॉर्क मिल स्टेशन पर आई है। तो यॉर्क मिल स्टेशन से अब हम सबवे लेंगे जो कि फिंच तक जाएगी, और उसके बाद हम अब कर जाएंगे। तो थोड़ा डिले हो गया इसके लिए, चलो कोई बात नहीं, एक दिन में डे वेल स्पेंड है, बस ये थोड़ा बहुत अब घर पहुँचने में लेट हो जाएगा।